मध्य प्रदेश के कुक्षी में साहूकारों के आतंक से परेशान होकर निसरपुर ब्लॉक के कर्जदार आदिवासियों ने जयस के नेतृत्व में एसडीएम बीएस कलेश को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जयस युवाओं की उपस्थिति में ग्राम नौपाटी, चंदनखेड़ी, पीपरीपुरा और डेहर के कर्जदार ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर साहूकारों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2019 को छिंदवाड़ा की धरती से घोषणा की थी कि आदिवासी समाज के लोगों द्वारा रकम गिरवी रखकर साहूकारों से ब्याज पर जो कर्ज लिया गया था उसे माफ़ करवाकर कर्जदारों की गिरवी रकम वापस कर दी जाएगी, जिसमें ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने के निर्देश जारी किए गए थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुक्षी तहसील में मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए साहूकारों ने अपना ब्याज सूद का आतंक बरकरार रखा है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्राम पंचायत चंदनखेड़ी के सरपंच शेर सिंह चौहान, किशन डावर, कमलेश सोलंकी के साथ समस्त गाँव के ग्रामवासी उपस्थित थे। कुक्षी से महेंद्र कन्नौज की रिपोर्ट। आज ग्राम निसरपुर ब्लॉक के ग्राम नौपाटी के लोग यहाँ पर आए साहूकारों से परेशान होके, जिसका एक आवेदन माननीय एसडीएम साहब को दिया है। सरकार ने एक आदेश 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदेश दिया है कि साहूकारों के पास जो आदिवासियों की रकमें हैं, पैसा ले रखा है, वो पूर्णतः माफ़ किया जाएगा। तो इसी के लिए सब गाँव के लोग यहाँ पर आए हैं और इन्होंने एसडीएम साहब से निवेदन किया है कि साहूकार जिन्होंने पूरा खून चूस लिया है आदिवासियों का, तो उन साहूकारों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए और अपने खर्चे कम करने के हिसाब से भी आज प्रण लिया इन लोगों ने। तो आज नौपाटी के, चंदनखेड़ी के, डहर के आदिवासी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और माननीय एसडीएम साहब को इस संबंध में ज्ञापन दिया है और चौकी प्रभारी को भी निर्देश दिया उन्होंने कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।